कोरोना संक्रमण के कारण देश में लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन के बीच प्रवासी बिहारियों का आना भी लगातार जारी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अपने घरों तक पहुंचने के लिए बिहारी प्रवासियों को काफी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। आलम यह है कि जिन प्रवासी बिहारियों को खाने पीने और रहने की लॉकडाउन के कारण समस्या उत्पन्न हो गई थी, वह भारी भरकम मोटी रकम चुकाकर अपने गंतव्य तक पहुँचने को मजबूर हैं। ताजा मामला पटना से आया है, जहां बेऊर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर ट्रक से बिहारी मजदूरों का एक बड़ा जत्था पहुंचा। ट्रक वाले ने इन बिहारी मजदूरों को हाईवे पर उतार दिया। मजदूरों से पूछताछ में पता चला है कि ये लोग महाराष्ट्र के पुणे में मजदूरी का काम करते थे। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन जारी हुआ तो इनके सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में इनके पास अपने वतन लौटने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। कैसे आए? क्या क्या कठिनाई, कैसे कैसे ट्रक कैसे मिला? आ? कितना पैसा लिया ट्रक? ट्रक 3,500। एक आदमी का? हाँ। तो सरकार के द्वारा जो योजना चालू हुई है? कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, बहुत महंगाई है। भूखे मर रहा है, कुछ खाने के लिए है ना। इतना दिन हम लोग रोक पाए, 2 महीना हो गया। काफी मुश्किलों के बाद ट्रक वालों ने इनसे 3,000 से 4,000 रुपए लेकर इन्हें बिहार पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। महाराष्ट्र के पुणे से शुरू हुआ यह सफर 5 दिनों तक चला, जिसके बाद सभी बिहारी मजदूर पटना पहुंच गए। बताया जा रहा है कि सभी बिहारी मजदूर छपरा के रहने वाले हैं। मजदूरों ने बताया कि सरकार की तरफ से तो काफी व्यवस्था की गई है, लेकिन उसका लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में हमारे पास लौटने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। कितना पैसा लिया? 3,000। कितने दिनों में यहाँ पहुँचे? 5 दिनों। 5 दिन? तो सरकार के द्वारा जो ट्रक वगैरह ये ट्रेन वगैरह चालू हुई है, सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं पूना जिला पूना से? पूना से है ऐसा कैसे बोल रहे हैं? नहीं है, हम लोग हार फिर क्या है, पूरा इंतजार किया, फॉर्म अप्लाई किए, कोई सुविधा नहीं मिला, हम लोग चले हैं। बिहार में कहाँ रहते हैं? बिहार में हमनौर प्रखंड में। हमनौर सारण जिला? सारण जिला। हमनौर प्रखंड में, गांव का नाम जकड़ी गांव नाम। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जांच करने के बाद वहां से भेजा गया है, लेकिन सवाल यह है कि एक साथ बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए ट्रक में सवार होकर बिहार पहुंचे इन मजदूरों के संक्रमण का खतरा नहीं होगा, ऐसा मान लेना भी सही नहीं है। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी बिहारी मजदूरों से पूछताछ शुरू कर दी है और उम्मीद की जा रही है कि इन्हें जांच के बाद क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर फिलहाल किसी भी पुलिस के अधिकारी ने कुछ भी बोलने से बचना ही मुनासिब समझा। एक पुरानी कहावत है, मरता क्या न करता। इस बिहारी मजदूरों के समक्ष लॉकडाउन के कारण जब भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ऐसे में इन्होंने कोरोना संक्रमण को भी नजरअंदाज करते हुए बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए अपने वतन लौटने में ही अपनी भलाई समझी। बहरहाल प्रवासी बिहारियों को हर संभव मदद पहुंचाने का वायदा तो फिलहाल अधूरा ही मालूम पड़ता है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि बिहार पहुंचने के बाद सरकार इन्हें न केवल क्वारंटाइन सेंटरों में रखेगी बल्कि उन्हें वो तमाम व्यवस्था भी देगी ताकि इन्हें आगे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज़, पटना।